बिसम रहीम आइए बनाते हैं मज़ेदार होम मेड आलू के समोसे जो कि बहुत मज़े के तैयार होंगे तो यहाँ पे मैंने मैदा लिया है एक कप भर के मैंने मैदा लिया है बड़ा वाला जो प्याला होता है ठीक है जो हमारे डिज़र्ट के प्याले होते हैं उससे और यहाँ पे मैंने जो है इसमें नमक ऐड किया है तकरीबन हाफ टी स्पून थोड़ी सी मैंने जो है वो इसमें वन फोर टी स्पून जितनी जो है वो अजवाइन शामिल की है अजवाइन का फ़्लेवर बहुत अच्छा आता है और ये मैंने चुटकी भर इसमें आ, मीठा सोडा शामिल किया है अब हम इसमें ऑयल ऐड करेंगे यहाँ मैंने एक टेबल स्पून इसमें ऑयल डाला है अब मैं इसको अच्छे तरीके से मिक्स करूंगी और अगर हमें ज़रूरत हुई तो एक टेबल स्पून ऑयल का हम अगेन ऐड करेंगे पहले आपने इसको अच्छे तरीके से जो है इस तरीके से मसल मसल के जो है वो इसके क्रम्स टाइप बना लेने हैं और जब ये बिल्कुल एस, इस तरीके से जुड़ने लगेगा तो फिर हम इसको पानी डाल के जितनी रिक्वायरमेंट हमें होगी ये मैंने थोड़ा सा जो है वो ऑयल और ऐड किया है इसमें तो टोटल टू टेबल स्पून मैंने इसमें ऑयल के ऐड किए हैं और इस तरीके से ये देखें ये जुड़ना शुरू हो जाए तो फिर जो है आपने इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करना है और इसको बहुत ही अच्छे तरीके से इसकी डो बना लेनी है और डो बना के हमने इसको थर्टी मिनट का रेस्ट देना है साइड पर रख देनी है तो यहाँ पर जो है वो थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करके जो है हम अच्छी सी डो गूँ लेंगे इसकी डो बहुत ज़्यादा सख्त नहीं होनी चाहिए और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं होनी चाहिए ठीक है थीके? हल्की सी सख्त की तरफ होगी थोड़ी सी तो जो है इजीली आप हैंडल कर सकेंगे समोसों को अगर बहुत ज्यादा आप सॉफ्ट कर देंगे तो फिर वो आपसे सही तरीके से हैंडल नहीं होंगे तो छोटी छोटी टिप्स एंड ट्रिक्स होती हैं जिसको यूज़ करके आप अपने घर में भी बहुत अच्छे तरीके से हर चीज़ को बना सकते हैं तो यहाँ देख लीजिए डो मेरी बहुत ज़्यादा जो है ना हार्ड है और ना बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है तो यहाँ पे इसको अच्छे तरीके से हमने जो है वो गूंद लेना है नीट कर लेना है थोड़ी मुक्की लगा लेंगे हम ताकि ये अच्छी तरीके से जो है वो सॉफ्ट हो जाए और इसमें हल्की सी लचक पैदा हो जाए तो यहाँ वो मैंने गूँध लिया है दो चार मिनट के लिए आप इसको अच्छे तरीके से गूँध लें और उसके बाद जो है आप इसको कवर करके थर्टी मिनट्स का या एक घंटे का रेस्ट दे लें तो अब ये देखें आप इसकी कंडीशन चेक कर सकते हैं ये बहुत अच्छे तरीके से गुंद गया है बस अब हम इसको कवर करके रखेंगे और मीन वाइल हमने क्या करना है हम इस डो की जो है है वो डो के लिए फिलिंग तैयार करेंगे आलू की तो यहाँ मैंने चार बोल एग लिए हैं इन चार बॉय एग को आपने हल्का भी बहुत ज़्यादा गर्म है देखिए इसको आपने तोड़ लेना है आपने इसको मैश नहीं करना क्योंकि आप जब भी बाहर के समोसे खाते हैं आलू के जो कि बड़े वाले समोसे होते हैं वो उसमें जो है वो बहुत ज़्यादा मैश किया हुआ आलू हम नहीं डालते हैं। इसको आपने बस जस्ट तोड़ लेना है और छोटे छोटे चंक्स होने चाहिए आलू के जो आपके मुंह में आते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है स्पाइस ऐड करेंगे तो यहाँ मैंने हल्दी पाउडर ऐड किया है तकरीबन वन फोर टी स्पून इसमें उसके बाद जो है कुटी हुई मिर्च ऐड करेंगे चिली फ्लेक्स वन टी स्पून ऐड करेंगे उसके बाद लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे हाफ़ टी स्पून उसके बाद ये गरम मसाला मैंने ऐड किया है क्वाटर टी स्पून और इसके बाद जो है हम इसमें जो है थोड़ी सी मैंने अजवाइन ऐड की है इसका फ़्लेवर बहुत ही अच्छा आएगा इसमें चुटकी भर अजवाइन थी और ये धनिया है सूखा जिसको मैंने क्रश कर लिया है और इसका फ़्लेवर तो इंतहा का जो है वो मज़ेदार आता है तो इसको बिल्कुल स्किप ना कीजिएगा अब इसके बाद हम इसमें नमक शा, शामिल करेंगे वन टी मैंने इसमें नमक डाला है अकॉर्डिंग आप अपने टेस्ट सारे स्पाइसिस रख सकते हैं इनको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे अच्छा ये बाउल जो है ये प्लेट छोटी है तो मैंने इसको एक बाउल में शिफ्ट किया है ताकि अच्छे तरीके से मैं इसको मिक्स कर सकूँ यहाँ पर मेरे पास हरा धनिया है मुठ्ठी भर एक हरी मिर्च है और ये एक जो है मीडियम साइज़ की प्याज़ है जिसको मैंने चॉप कर लिया था ये चीज़ें भी हम इसमें मिक्स कर लेंगे और इसको सही तरीके से हमने मिक्स कर लेना है तो ये अच्छा और ज़बरदस्त सा जो है मज़ेदार सा हमारा ये मिक्सचर तैयार हो गया है आलू की फिलिंग तैयार हो गई है समोसों के लिए या समोसों के मैंने जो है वो पेड़े बना लिए एक प्याले में तकरीबन आप ये देख लीजिए छः जो है हमारे पेड़े बन के तैयार हुए हैं और हर पेड़ में से तकरीबन जो है हमारा जो है वो दो दो समोसे बनेंगे अब डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप इसको चाहें अगर बहुत ज़्यादा बड़े बनाने तो आप इस पेड़े का साइज़ को वो बड़ा रख सकते हैं ताकि आपकी जो रोटी है वो थोड़ी बड़ी आप बेल लें और उसके बाद जो है आपने जब इसको हाफ़ कट करना है तो आपके समोसे जो है वो थोड़े बड़े साइज में बनेंगे मैं यहाँ पे मीडियम साइज़ में बना रही हूँ लेकिन मार्केट के जो समोसे होते हैं वो साइज़ में इससे भी ज़्यादा बड़े होते हैं तो आपका ऊपर डिपेंड करता है कि आप जो है वो कैसे भी रख लें अब आप अपने इसको इस बीच में से कट करना है इस तरीके से दो पीस आपके पास हो गए हैं तो अब जो है हम समोसे बनाने शुरू करते हैं फिलिंग को हम साइड पर रखेंगे और इसके ट्राइंगल फॉर्म में जो है हम इसको बन

के फिर हम इसको एक साथ फ्राई कर लेंगे तो फिलिंग भी आपके ऊपर डिपेंड करता है अगर आपको बहुत ज़्यादा ज़्यादा पसंद है तो आप अंदर ज़्यादा फ़िलिंग कर सकते हैं आपको कम पसंद है तो आप उसमें कम फिलिंग कर सकते हैं अकॉर्डिंग घर में चीज़ें बनाने का मकसद ही यही होता है कि सब चीज़ें आपके अकॉर्डिंग टेस्ट होती हैं नमक मसाले मिर्चें और जो है हर चीज़ को आप बैलेंस रख के जो है वो अच्छे तरीके से बना सकते हैं बच्चों के लिए बनाने हैं तो आप कम स्पाइसी बना लीजिए यहाँ पे मैंने ऑयल गरम करने के लिए रख दिया था ऑयल हमारा अच्छे तरीके से गर्म हो गया है ऑयल हमारा तेज़ गर्म होना चाहिए लेकिन इतना गर्म नहीं होना चाहिए गर्म हो तेज़ लेकिन ऐसा ना हो कि डालते साथ ही जो है वो आपके समोसे जल जाए तो यहाँ पे देखें मेरा ऑयल बिल्कुल गर्म है लेकिन बिल्कुल ऐसा गर्म नहीं है कि डालते साथ ही जो है वो मेरे समोसे काले हो जाए तो आपने इसको हाई फ्लेम पर ही बनाना होता है आपने इसको लो फ्लेम पर नहीं बनाना होता तो ये अच्छे से जो है वो आपके कुक हो जाते हैं पहले एक तरफ से अच्छे तरीके से आप इसको पकने दीजिए उसके बाद जो है आपने इसको फ्लिप करना है टर्न करना है और फिर दोनों साइड से आपने अच्छे तरीके से इसका प्यारा सा कलर गोल्डन सा कलर आने तक जो है आपने इनको कुक कर लेना है तो ये होममेड समोसे घर के जो हम बनाते हैं ये बहुत ही ज़बरदस्त बन के तैयार होते हैं आप ज़रूर एक दफ़ा ट्राई कीजिएगा और यहाँ तक अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ जो है वो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा कमेंट कीजिएगा आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा तो यहाँ पर ये अच्छे से कलर इनमें आ गया था